और खबर महाराष्ट्र से है, जहां रायगढ़ लैंडस्लाइड में मौत की तादाद में इजाफा। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत, कई जख्मी। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद, राहत रसानी का काम जारी। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। आपको बता दें, महाराष्ट्र के रायगढ़ में राहत रसानी का काम लगातार जारी है। तो रायगढ़ में लैंडस्लाइड में मौत की तादाद में इजाफा हुआ है। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है, कई लोग जख्मी हो चुके हैं। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, राहत रसानी का काम जारी है। और लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत, तो ये मौतों में लगातार इजाफा हो रहा है, ये बढ़ोतरी हो रही है। राहत रसानी का काम हालांकि जारी है। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है, कई जख्मी हो चुके हैं। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की मौत, महाराष्ट्र में रायगढ़ लैंडस्लाइड में मौत की तादाद में इजाफा। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है, एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो राहत रसानी का काम लगातार जारी है। आपको बता दें, रायगढ़ में जहां लैंडस्लाइड की वजह से लगातार मौतों में इजाफा देखा जा रहा है, तो वहीं अब ये संख्या 22 पहुंच चुकी है और राहत रसानी का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो महाराष्ट्र में आपको बता दें, रायगढ़ में लैंडस्लाइड में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लैंडस्लाइड से अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है। और जम्मू कश्मीर में आपको बता दें, रामबन के पास कई जगह तेज बारिश। जम्मू और श्रीनगर हाईवे पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर आमदोरफ्त मुतासिर। लगातार आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में रामबन के पास कई जगह तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के बाद हाईवे पर आमदोरफ्त मुतासिर। रामबन के पास कई जगह तेज बारिश। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बारिश के चलते लैंडस्लाइड। और दिल्ली में एक बार फिर जमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर हो गया है। यानी कि आपको बता दें, 205.33 मीटर को पार कर चुका है पानी। जुमे की शाम 6 बजे जमुना का वाटर लेवल 205.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि जुमरात की सुबह 8 बजे जमुना के खतरे के निशान से नीचे आ गई थी। 4 दिन में यह दूसरा मौका है जब जमुना का वाटर लेवल खतरे के निशान को पार कर गया है। बताया जा रहा है कि शुमाली हिंद के कुछ रियासतों में हो रही बारिश के सबब जमुना के वाटर लेवल में इजाफा हो रहा है। यानी एक बार फिर खतरे के निशान से ऊपर पानी पहुंच गया है और ये जो स्तर है लगातार जिस तरह से फ्लैक्चुएट हो रहा है, उससे खतरा बरकरार है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि खतरा टल गया, बल्कि दिल्ली में एक बार फिर खतरा बना हुआ है और ऐसे में सैलाब का जो खतरा है वो अभी टला नहीं है, ये भी कहा जा सकता है। जमुना का वाटर लेवल एक बार फिर से बढ़ा है, तो आपको बता दें इसमें इजाफा देखा गया है। दिल्ली में एक बार फिर जमुना का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जुमे की शाम 6 बजे जमुना का वाटर लेवल 205.34 मीटर रिकॉर्ड किया गया।